तो क्या आप रेडी हैं अभी तक आपको जो भी मैंने पढ़ाया है आपने उसके नोट्स बनाए या नहीं आपको टाइमली पीडीएफ मिल रहा है ना मेरी ओर से तो आप उसके जो है नोट्स बनाते जाइए साथ में और एक चीज़ और आपसे पूछना चाहती थी कि लक्ष्य जो एक सीरीज हमारी नई चल रही है जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स आर्ट एंड कल्चर बेस्ड जो करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ उसको देखना मत भूलिए बच्चों उसके साथ साथ ही अपने नोट्स को अपडेट करते रहिए जो भी करंट में बना हुआ है और जो बेसिक्स में पढ़ा रही हूँ उसमें आप उसको नोट डाउन करते रहिए बस इतनी सी काम करना है आपको 2023 के लिए जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं जो अपेयर कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट और कंटिन्यू देखते रहिए चीजों को रिवाइज करते रहिए ये टाइम है रिविजन का 2024-25 में जो देने वाले हैं जमकर खुद को तैयार कर लीजिए अपनी कमर कस लीजिए और इस युद्ध में खुद को झोंक दीजिए आइए चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा को तो जिसमें हम द्रविड़ शैली मंदिर स्थापत्य को पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर देखते हैं ये जो टेक्निकल पैन है हमारा उसको जरा उसके साथ जंग लड़नी होती है कभी कभी मुझे तो वो जंग को लड़ते हुए यहाँ पर हम चलते हैं और द्रविड़ मंदिर स्थापत्य की शैली को हम यहाँ पर पढ़ते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें हैं आइए चलिए इस पे देखते हैं अब हम आगे बढ़ेंगे सो नेक्स्ट मूव करते हैं देखिए यहाँ पर जैसा कि आ, कुछ बच्चों को पता है जिनको नहीं पता है उनके लिए एक जरूरी सूचना कि बैच फोर आप जो ये देख रहे हैं ये आपका जो है आ, स्टार्ट होने मतलब ये अंतिम तिथि इसमें एडमिशन लेने की है ऑफ तो अप्रैल और शाम छः बजे में लाइव इसकी क्लासेस होती हैं तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हर फैकल्टी के साथ डायरेक्ट रूबरू होने का मौका मिले क्योंकि ये सुनहरा अवसर बहुत कम जगह पर मिल पाता है और अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं एस वी लाइव कोड अगर आप मेरा इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो प्राइस होगा मात्र अठारह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए हो जाएगा फीस का मौके अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी ताकि अपने लक्ष्य की प्राप्ति में काफ़ी मददगार ये कोर्सेज आपको साबित हो सकें फॉलो की बात रही तो जो बच्चे नहीं जानते हैं वो मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं चैनल पे फेसबुक और इंस्टाग्राम इस पे देख सकते हैं आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं खुद को मेरे साथ इसके बाद टेलीग्राम का जो चैनल है शिल्पी वर्मा ट्वेंटी टू इस पे आपको मेरे सारे पीडीएफ अवेलेबल होंगे या जो भी अपडेशन हुआ करेगा मेरे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर्स में वो आपको टाइमली मिलते रहेंगे क्या है आईडी का नेम शिल्पी वर्मा ट्वेंटी टेलीग्राम चैनल वहां पर पीडीएफ मिलेंगे फाइन नाउ लेट्स मूव अब मंदिर स्थापित की द्रविड़ शैली देखिए मंदिर स्थापित में मैंने जैसा कि बताया था हम कौन कौन सी शैली पढ़ने वाले थे बच्चों हमने सबसे पहले नागर शैली को ठीक है आ, नागर शैली को जो है हमने पढ़ा है ठीक है इसके बाद हम यहाँ पर द्रविड़ शैली को पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसर शैली को क्लियर है यहाँ तक तो अभी हमने ये क्लियर कंप्लीट कर, कर लिया अब तो हम इस पे आ गए फिर हम इसके बाद थर्ड वीडियो जो हमारा होगा नेक्स्ट उस पर हम बेसर शैली को डिस्कस करेंगे अब मुद्दा ये आता है जैसे हमने नागर शैली को देखा था उत्तर हिमालय से लेकर विन्द पर्वत तक नागर शैली के जो मंदिर है देखने को मिलते हैं अब बात आती है कि द्रविड़ शैली द्रविड़ शैली दक्षिण भारत से ध्यान रखेगा तो साउथ में आप देखेंगे ये जो इंडिया का ये जो हिस्सा है आ, मैं इसको रफ कर देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे मैप बहुत ही खराब मैंने बनाया है यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि आप जैसा खूबसूरत मैप बनाने का मैं प्रयास करती हूँ तो यहाँ पर फिलहाल समझने के लिए समझिए तो ये कह रहे हैं कृष्णा नदी से लेके ठीक है ये सिर्फ रफ वर्क में के रूप में है ऊपर नीचे चीजें हूँ तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा कृष्णा नदी से लेके कन्याकुमारी तक अगर हम देखें तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर है वो यहाँ पर पाए जाते हैं तो सबसे पहले सातवीं शताब्दी में पल्लव शासकों के द्वारा मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ देखिए पल्लव शासकों ने द्रविड़ शैली में सबसे ज्यादा योगदान दिया उनके आने के बाद ही इस तरह की शैली के मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ यानी कि पल्लव शासकों के आने से पहले क्या होता था कि कहीं कहीं पर आपको लकड़ी के मंदिर भी बने हुए मिलते थे लेकिन जैसे ही इन शासकों ने यहाँ पर शासन करना शुरू किया धीरे धीरे एकाश्म पत्थर ठीक है चट्टानों को काटकर पत्थरों को जोड़कर ईटों को जोड़कर मंदिरों का निर्माण होना शुरू हो गया तो ये एकदम से परिवर्तन आपको देखने को मिलता है इस के द्रविड़ शैली के अंतर्गत जब पल्लव शासकों की बात होती है इस शैली की मुख्य विशेषता क्या है हर शैली की हर व्यक्ति में एक क्वालिटी होती है वैसे ही अलग अलग मंदिर के जो शैलियां हैं उनमें अलग अलग भिन्नताएं अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलती हैं जैसे ऊंची दीवार से अब देखिए एक चीज और बता देती हूं जैसे नागर शैली बच्चों जब आप देखते हैं ऊपर के हिस्से में जब आप नागर शैली देखते हैं भारत में जो मैंने बताया था विंध हिमालय से लेकर विंध पर्वत तक की तो उसमें क्या होता है कि जो मंदिर बने होते हैं उसमें चार दीवारी नहीं होती है मतलब बाउंड्रीज के अंदर जो है मंदिर नहीं बने होते हैं जबकि जैसे ही आप साउथ में जाना शुरू करेंगे द्रविड़ में जाएंगे तो आपको चार दीवारी के अंतर्गत परकोटा के अंदर आपको यहाँ पर मंदिर का निर्माण देखने को मिलता है ऐसा माना जाता है कि वो जो चार दीवारी है वो सुरक्षा का प्रतीक है उसके अंदर लोग व्यापार भी किया करते थे मंदिर आंगन इतने बड़े हुआ करते थे अभी हम पढ़ेंगे आगे तो इनकी भव्यता वहाँ की परिस्थितियों को राजाओं या शासकों की परिस्थितियों को वहां पर दर्शाती है उनकी आर्थिक स्थिति को दर्शाती है देखिए भव्यता किसी घर में कैसे पता चलेगी वहां पर भाई आपका पॉकेट अच्छी होगी आप अच्छा अर्न कर रहे होंगे आर्थिक स्थिति अच्छी होंगी सामाजिक स्थितियाँ आपकी अच्छी होंगी तभी तो आप कर पाएंगे ना जब पेट भरा होगा इसके बाद ही तो शौक और श्रृंगार और सारी चीजों को कर पाएंगे तो वो चीज़ आपको साउथ के मंदिर में देखने को मिलती है ठीक है तो यहाँ पर जिसके अंदर प्राय जलाशय भी होता है अब देखिए साउथ में जब द्रविड़ शैली के मंदिर की बात होगी नागर शैली की बात होगी तो नागर शैली में देखिए अब सारी कहानी को समझने से पहले ये समझिए कंपैरिजन के साथ पढ़ना तुलनात्मक रूप से किया हुआ अध्ययन हमेशा याद रहता है अब मैं द्रविड़ शैली बता रही हूँ तो जिन लोगों ने नागर शैली वाली वीडियो को देखा है वही इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो देखिए जो द्रविड़ शैली है ना उस शैली के मंदिरों में आप देखेंगे जलाशय मतलब मंदिर प्रांगण के अंतर्गत आप देखेंगे जो मंदिर परांगण होता है ना उसके अंतर्गत मंदिर के पास में यहाँ पर छोटा सा कुंड होता है तो धर्म के आधार पर इसको कुंड को स्नान के लिए इत्यादि चीजों के लिए यहाँ पर बनाया जाता है मतलब अलग अलग कहानियां है फिलहाल ये समझ लिए कि यहाँ पर एक जलाशय भी होता है साउथ के मंदिर में जैसे ही हम जाएंगे ठीक है तो इन चीजों को हमें याद रखना है एक ऊंचा प्रवेश द्वार होता है जिसे गोपुरम कहते हैं तो ये बच्चों छोटा सा एक एग्जाम्पल है ये ब्लैक एंड व्हाइट है आगे हम देखेंगे तो ये गोपुरम जो होता है अभी स्टार्टिंग में बच्चों जैसे हमने देखा था ना यहाँ पर देखिए चलिए ये देखिए स्टार्टिंग का जो हमारा था यहाँ पर ये गोपुरम जो आप देख रहे हैं ना दक्षिण भारत के मंदिरों में यानी कि द्रविड़ शैली के मंदिरों की अगर सबसे मुख्य विशेषता पूछी जाए तो गोपुरम प्रवेश द्वार जो होते तोरण होते सबसे भव्य होते हैं ऐसा लगता है जितनी भी कलाकारी है जितनी भी चित्रकारी जितनी भी सामाजिक परिस्थितियां हैं आर्थिक परिस्थितियां हैं राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको यहाँ पर इस तरह से उकेरा जाता है और उनको मूक तरीके से दर्शाया जाता है उनकी कहानी को बताया जाता है ठीक है बच्चों चलिए अब यहाँ पर देखिए आप जैसे आप मेरा पुराना लेक्चर देखा होगा तो ये सब देखिए आर्ट एंड कल्चर में जब तक आपके जो शब्दावलियां हैं ना वो क्लियर नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते अब पंचायतन शैली तो अब मैं पूछू पंचायतन शैली क्या होती है मैं कई बार बता चुकी हूँ आप अगर नए आए हैं तो कोई बात नहीं मैं फिर से बता देती हूँ देखिए पंचायतन शैली क्या होती है इस तरह से मंदिर जो है यहाँ पर मुख्य देवता जो होते फॉर एग्जाम्पल जैसे विष्णु जी का मंदिर है उदाहरण के तौर पर ठीक है विष्णु जी का मंदिर है तो उनकी मूर्ति जो है वो मध्य में होगी और आसपास चारों ओर जो यहाँ पर आप मंदिर देखेंगे ये गौड़ होते हैं ठीक है तो मुख्य देवता हमेशा मध्य में होते हैं और चारों तरफ जो है अलग देवता होते हैं ठीक है यहाँ तक क्लियर है आपको तो कह रहे हैं कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि पंचायतन शैली मतलब पांच आयतन पंच आयतन के आधार पर जो शैली जो मंदिरों का निर्माण होता है पंचायतन शैली आपको द्रविड़ शैली के मंदिरों में देखने को मिलती है ये क्लियर रखिएगा इस पे बेस्ड पीसीएस में और यूपीएससी में स्पेसिफिकली पीटी में बहुत बार प्रश्न पूछा है मेंस में जब हम आएंगे तब हम इसको डिस्कस और करेंगे तो गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर द्वारपाल को मिथुनों और यक्षों की मूर्ति मिलती है तो जब प्रवेश द्वार जो उनका मेन गेट होता है मंदिर का तो ऐसा लगता है यहाँ पर ना ऐसा फील होता है जैसे कि उनकी रक्षा करें मंदिर के सेवक के रूप में उनको वहाँ पर दर्शाया गया है इस तरह से बताया गया है इसके और भी कई कारण हैं इसके इस तरह से जैसे शेर की प्रतिमा को रखना या फिर कोई ऐसी प्रतिमाओं को इंगित करना उससे ये बताते हैं कि देखिए कैसे सारी मोह माया को त्याग कर बाहरी तत्वों को छोड़कर मंदिर में प्रवेश करिए ताकि आप सारे मोहभंग भारी हो जाए ताकि जब आप पवित्र स्थान पर जा रहे हैं तो आत्मा का परमात्मा से जब मिलन हो तो किसी मोह माया में लिप्त आप ना हो तो कुछ इस तरह के भी उसके पीछे की कहानियां हैं सेम ऊंची चार दीवारी से घिरा होता है शिखरों को विमान कहते हैं वहीं आप नागर शैली में जाते हैं ना तो नागर शैली में ये हिस्सा जो होता है ये वाला हिस्सा इसको शिखर कहते हैं लेकिन जैसे ही आप दक्षिण भारत में आते हैं द्रविड़ शैली में तो इसको विमान कहा जाने लगा होता है और ये बहुत ही बड़े होते हैं और गर्भगृह हमेशा शिखर के नीचे होता है आगे की कहानी को आगे समझेंगे विमान अष्टकोण होते हैं विमान मतलब शिखर शिखर क्या जिसको नागर शैली में शिखर बोला जाता है और इसको विमान बोला जाता है द्रविड़ शैली में यानी कि साउथ के मंदिरों में उसकी भाषा बदल दी जाती है बस ठीक है आगे मूव करते हैं अब इसकी उप शैलियाँ हैं जैसे हमने नागर शैली में उपशैलियां अब डायनेस्टी वाइज ठीक है जो जो अलग अलग शासक आए उन्होंने अपनी अपनी कलाकारियाँ दिखाई अपने अपने तरीके से मंदिरों का निर्माण कराना शुरू किया अब आप बताइए भाई एक एरा चल रहा है ठीक है उसमें आपका पड़ोसी किसी और तरीके से अपने घर को बनवा रहा है आप किसी और तरीके से बनवा रहे हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि एक एरा चल रहा है तो सब सेम ही तरीके से बनवाएंगे भाई जिसकी जैसी सोच होगी जिसका जैसा रहन सहन होगा जिसकी जिसकी कैपेसिटी होगी जिसकी जैसी इच्छा होगी वो उस तरह से मंदिरों का निर्माण कराएगा तो ये उप शैलियाँ हैं उस टाइम की पल्लव उप शैली अगर हम देखेंगे तो पल्लव के समय में जैसे मैंने कहा कि मंदिरों का सबसे ज्यादा निर्माण होना शुरू हुआ था उस समय पे ठीक है तो इसका विकास की शैली को क्रमशः इस तरह से डिवाइड किया जाता है उसमें चार शासकों ने कैसे अपने अपने शासन काल के दौरान अलग अलग तरह के मंदिरों का निर्माण कराया जैसे इसे समझना इंपॉर्टेंट है महेंद्र शैली इसके इसके बीच में इन्होंने ज्यादातर मंदिरों का निर्माण कराया नरसिंह मामल शैली इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड जो ग्रुप है उसमें राजसिंह शैली को फिर हम पढ़ेंगे नंदी वर्मन शैली ये सब शासक हैं उनके नाम है उनके आधार पर शैली है ये पल्लव शैली मतलब पल्लवों के शासन के दौरान पे कैसे मंदिर हुआ करते थे तो महेंद्र शैली तो महेंद्र शैली की अगर हम बात करें इसको मैं जरा शिफ्ट कर देती हूँ महेंद्र वर्मन के शासन में चट्टानों को काटकर अब देखिए यहां पर एक चीज समझिए अब ये क्या कह रहे हैं देखिए कैसे परिवर्तन आया यहाँ पर चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण इसका मतलब है पहले कुछ अलग तरीके से मंदिरों का निर्माण था जैसा मैंने बताया आप ही तो यहाँ पर क्या जैसे ही महेंद्र वर्मन का आगमन हुआ शासक बने एकदम से आते ही नहीं शुरू कर दिया पर उनके शासन काल के दौरान देखा गया कि वहां पर फिर धीरे धीरे मंदिरों के बनावट में थोड़ा परिवर्तन आया मतलब चट्टानों को काटकर बनाना मंदिरों को शुरू कर दिया गया इस शैली के मंदिरों को मंडप कहा जाता था अब पॉइंट आता है कि मंडप क्या ये शादी वाला मंडप नहीं है ये मंडप अलग है देखिए अब जैसे ये मंडप जो बच्चों कह रहे हैं यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे जब हम नागर शैली में आते हैं तो नागर शैली में जैसे आप देखते हैं कि शिखर होता है उसके सामने एक सवा भवन होता है ठीक है बच्चों यहाँ पर जैसे ये मंदिर है ये आपका गर्भग्रह है ये आपका शिखर है क्या आप मुझे देख पा रहे हैं यहाँ पर तो ये शिखर है आपका ये आपका क्या हो जाता है गर्भ ग्रह हो जाता है ये मैं क्यों समझा रही अभी समझाऊंगी ठीक है ये गर्भग्रह और यहाँ जो होता है ये आपका कहलाता है तो देखिए जैसे ये जो आपका हिस्सा होता है ना ये मंडप कहलाता है ये क्या कहलाता है आपका मंडप समझिए पूरी कहानी को आइए पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि और बेहतर समझ पाए देखिए ये आपका मंडप हो जाता है नागर शैली के अंतर्गत मतलब सभा भवन जहां पर श्रद्धालु अपनी बारी का दर्शन करने के लिए इंतजार करते हैं अब मजेदार बात ये हो जाती है कि ये जो शैली जो द्रविड़ शै, स्थापत्य शैली उसमें स्पेसिफिकली पल्लव उपशैली में महेंद्र शैली के अंतर्गत यहाँ पर पूरे मंदिर को ही पूरे मंदिर को ही उन्होंने क्या कह दिया मंडप है जबकि मंडप एक तत्व नागर शैली में जहां पर सभा भवन कहते हैं जिसको यहाँ पर मंदिर को ही मंडप कह दिया गया है तो ये अंतर जरूर याद रखिएगा ठीक है इस मंदिर को एक स्तंभ और एक दो कमरे बनाए जाते हैं श्रद्धालुओं के रहने के स्थान के लिए जो मतलब भिक्षुक है उनके लिए भी मंडप के बाहर बने मुख्य द्वार पर द्वार पालकों की मूर्तियां होती मैंने भी बताया जैसे उनको रक्षक के रूप में वहां पर बनाया गया ऐसा कहा जाता है ठीक है नरसिंह मामल शैली दूसरी है अब ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के समय इस शैली का विकास हुआ शैली में मंडप और रथों का निर्माण पत्थरों को काट कर किया गया यहाँ पर देखेंगे जो भी मंडप मतलब मंदिर अब साउथ में मंडप को क्या कह रहे हैं मंदिर कह रहे हैं पल्लव शैली के अंतर्गत उप शैली में तो कह रहे हैं मंदिरों और रथों का निर्माण यहाँ पर जो हुआ है वो एक आ, किसको काटकर हुआ चट्टानों को पत्थरों को काटकर पहले आप देखेंगे जैसे बिहार था स्तंभ हुआ करते थे चैत हुआ करते थे कैसे पत्थरों को काट के बनाया गया था उसी तरह से ये भी यहाँ पर बनाए गए हैं ठीक है इसके बाद अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मामल शैली के रथ जो है सप्त पगौड़ा के नाम से विख्यात है यहाँ पर जो ऐसे रथ बने होते थे उन्हें सप्त पगौड़ा कहते थे सप्त मतलब सात ठीक है सप्त पगौड़ा तो कहा जाता था लेकिन उनकी संख्या आठ देखने को मिलती है तो यूपीएससी प्रश्न ऐसी जगह से बना लेती है ऐसे स्टेटमेंट को कुछ घुमा फिरा के आपसे पूछ लेंगे तो याद रखना है मामल शैली के जो रथ आपको यहाँ देखने को मिले हैं वो सप्त पगौड़ा है लेकिन उनकी संख्या कितनी है आठ है अब ये जो मंदिर है वो अलग अलग तरीके से निर्धारित किए गए जैसे कि रथ मंदिर में धर्मराज रथ जो है द्रौपदी रथ है अर्जुन रथ है तो अलग अलग के नाम के आधार पर इनका निर्माण क्या कराया गया इसके पीछे की अपनी कहानी है उसको हम यहाँ समझते हैं ठीक है अब जैसे राज सिंह शैली तीसरी अब शैली के पल्लव शैली में तीसरे राज शासक आते हैं तो यहाँ पर भी पत्थरों को काट कर इनका निर्माण कराया गया इस काल में इस कला का समापन होता गया अब यहाँ क्या हुआ राज सिंह शैली के आते आते मतलब राज सिंह शासक के आते आते क्या होने लगा धीरे धीरे शैली जो है ये मंदिरों के बनाने की जो निर्माण की कला है धीरे धीरे समाप्ति की ओर आने लगी यहाँ पर पतन होना शुरू हो गया ना तो यहाँ क्या हुआ इस काल में स्वतंत्र मंदिरों का निर्माण हुआ स्वतंत्र मंदिरों का निर्माण से हम ये समझ सकते हैं यहाँ पर जैसे आप पहले चट्टानों को काट एक जगह पे मंदिर बनाए जाते थे अब यहाँ पर क्या पत्थरों को जोड़कर ईटों को जोड़कर संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण कराया आपको बताया था ना चट्टानों का चट्टानों के लिए और संरचनात्मक में डिफरेंस तो यहाँ पर मंदिरों के निर्माण चार दिवारी के भीतर हुआ क्योंकि भाई साउथ के मंदिरों की बात करें तो यहाँ चार दिवारी के भीतर मंदिर का निर्माण हुआ शिखर और गोपुरम के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया बट ऑब्वियसली यहाँ पर देखेंगे शिखर जिसको विमान कहा जाता था साउथ में द्रविड़ शैली के अंतर्गत ठीक है तो शिखर और कह रहे गोपुरम गोपुरम अभी आपको दिखाया था ना बहुत भव्य होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं जिसपे मैंने बताया था कि जैसे ये इस तरह से गोपुरम आपने देखा यहाँ पर है ना बार बार देखिए इधर नहीं ला सकती मैं गोपुरम आपके ये जिनको मेन गेट होते हैं तो बहुत ही भव्य हुआ करते थे उस समय के शासक थे काफी भव्य तरीके से चीजों का निर्माण कराते थे आर्थिक स्थितियां काफी सही थी उनकी तो उदाहरण के तौर पर जैसे काची का कैलाशनाथ मंदिर ठीक है बैकुंठ पेरूमल मंदिर इस प्रकार के इस शैली के प्रमुख उदाहरण है उदाहरणों को याद रखिएगा मेन्स आंसर राइटिंग में हेल्पफुल हो जाएंगे ठीक है अब आ जाते हैं नंदी वर्मन शैली आखिरी है दक्षिण भारत मंदिर स्थापित के रास का चरण कहा जाता है बहुत तेजी से उत्थान हुआ धीरे धीरे उनका पतन जहां उत्थान है वहां वहां पतन पतन है जहां पतन है उत्थान है जहां उत्थान वही नाइट की लाइट जैसा हम समझ सकते हैं तो अब नंदी वर्मन जब शासक आए उन्होंने जिस शैली का निर्माण किया यहाँ पर तो वहां पर धीरे धीरे ये ना पतन की ओर जाने लगी मतलब ह्रास होने लगा तो इसके मंदिरों की बनावट में भी आपको चीजें देखने को मिलेंगी ये शैली मंदिरों की जो और हमने शैली पढ़ी है इसमें उपशैली उसी की अपेक्षा करती थोड़े छोटे होते थे बड़ी तरीके के गोपुरम शिखर वहां की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है आप कह रहे हैं ये ह्रास का कारण है तो यहाँ से समझ लीजिए धीरे धीरे अब जैसे जैसे ह्रास होने लगा उनकी बनावट भी छोटी होने लगी भाई और भी तरीके की चीजें थी उसके साथ साथ इसको भी ध्यान रखा जा रहा था इस शैली में कोई खास नवीनता नहीं थी अब आप सोचिए पतन का समय चल रहा है भाई बैंक बैलेंस इतना हो नहीं पा रहा है इस तरह से समझिए आर्थिक स्थितियां इतनी ठीक नहीं है निर्माण करा रहे हैं अपनी परिस्थितियों के अनुसार लेकिन उस भव्यता और उस लेवल पर जाके नहीं करा रहे जैसे पहले हुआ करते थे ठीक है इस शैली में मंदिरों के प्रमुख उदाहरण जैसे काचीपुरम के मुक्तेश्वर और मातंगेश्वर मंदिर और इसके बाद गुंडी आ, मल्लम का जो परशु परशुरामेश्वर मंदिर है इनके उदाहरण है कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कैसे यहाँ पर मंदिर आप देखेंगे साउथ में अधिकतर आपको बाहर की ये भव्यता ऐसे देखने को मिलेगी वहां पर इस तरह की चित्रकारी इस तरह की मूर्तिकारी आपको हमेशा देखने को मिलेगी लेकिन यहाँ के मंदिर जो थे रास के कारण धीरे धीरे समय के पतन के समय के साथ साथ धीरे धीरे इनका रास होना शुरू हो गया छोटे छोटे मंदिर मिलने लगे अब जैसे उदाहरण हमने देखा था ना वहां पर अब हम यहाँ पर उन मंदिरों के उदाहरणों को समझेंगे जैसे महावलीपुरम का रथ मंदिर ठीक है तो पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वारा अभी हमने देखा था नरसिंह वर्मन द्वारा सातवीं शताब्दी में मामलपुर या महावलीपुरम में एकाश मतलब एकाश्म पत्थर एक ही चट्टानों को तोड़कर इस तरह से मंदिरों का निर्माण कराया गया जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता था इस रथ मंदिर का जो निर्माण है किस आधार पर कराया जाता जैसे चैत्य और विहार हुआ करते थे ना उसी तरह से आप देखेंगे चैत्य और विहार जैसे चट्टानों को काट कर बनवाए जाते थे चैत्य विहार समझ पा रहे हैं ना चैत्य और विहार स्तूप पढ़ाया था तो याद होना चाहिए देखिए बार बार एक चीज को रिपीट करना मेरे लिए भी संभव नहीं है क्योंकि फिर नवीनता नहीं रह जाएगी कुछ भी क्लास में ठीक है तो चैत्य और विहार जैसे चट्टानों को काट कर बनाए जाते थे उसी की तर्ज पर इन मंदिरों को भी बनाया गया जैसे महाबलीपुरम के रथ मंदिर अभी देखेंगे हम इस रथ मंदिर की संख्या आठ है जिनमें से द्रौपदी रथ सबसे छोटा है और एक मंजिला है जबकि धर्मराज रथ जो है 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 सबसे बड़ा है, ठीक है? दो विशालकाय शिलाखंडों पर अर्जुन की तपस्या या फिर भागीरथी की तपस्या को उकेरा गया इसको यहाँ से ना समझ के इसको यहाँ से समझिए मैंने पिक्चर दिया तो था लेट मी चेक ओके फाइन सो जस्ट गिव मी सेकंड यहाँ पर देख लीजिए जैसे देखिए यहाँ पर कैसे एक ही पत्थर को तोड़कर इन्होंने मंदिर का निर्माण कराया चट्टान को तोड़कर कुछ अलग विशेष नहीं बनाया इन्होंने जैसे चैत्य विहार होते थे उनको ही उसी प्रकार से चट्टानों को काटकर यहाँ पर मंदिरों का इस प्रकार निर्माण कराना शुरू किया अब इस कहानी को समझिए यहाँ पढ़ लेते फिर समझाती हो तो अर्जुन की तपस्या भागीरथी की तपस्या को उकेरा गया है भागीरथी वाले शैल चित्र में उनके प्रयासों द्वारा गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने की कथा का वर्णन किया गया है इसके निकट चट्टान है है कृष्णा का वाटर कहा जाता है। ये तो रही सिंपल सी बात समझिए इसको इस कहानी को अब देखिए यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो यहाँ पर पिक्चर यहां पर कह रहे हैं कि जो महावलीपुरम के रथ मंदिर है उसमें इस तरह की चित्रकारी की गई है ये अर्जुन द्रौपदी की बात क्यों हो रही है जिस समय पे अर्जुन ने आपने देखा था कह रहे हैं कि जब भागीरथी को बुलाने के लिए गंगा को पृथ्वी पर बुलाने के लिए जब तपस्या की थी तो उसको भी यहाँ पर जो है उकेरा गया है ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे उकेरा गया है और इस तरह से बताया कि किस प्रकार से उन्होंने तपस्या करते हुए भागीरथी को भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनको जमीन पर भेजिए ताकि बाकी की चीजें आगे उद्धार हो सके तो यहाँ पर उस चीज को उकेरा गया है वो पूरी कहानी को यहाँ पर वर्णन के इसलिए द्रौपदी अर्जुन इन सब की बात की गई है अब यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे अगर आप ये बिल्ली है देखिए आप शायद इतना ना समझ पा रहे हैं गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा यहाँ पर बिल्ली जो है उसके आसपास ना ये चूहे बनाए गए हैं समझिए उस समय की जो कहानी है किस तरह से उसका वर्णन किया गया चित्रों के माध्यम से मूर्ति के माध्यम से तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बिल्ली है ना वो इस तरह से तपस्या करे उसको अर्जुन के रूप में दर्शाया गया क्यों कह रहे हैं जैसे हमने देखा था खजराओं के मंदिर में या जैसे मंदिर देखे थे ना जहाँ पर एरोटिक्स पिक्चर कामुक मूर्तियां थी बाहर मंदिर के बाहर तो उनको दर्शाया गया था कि कैसे जीवन की जितनी भी कहानी में जो जो हिस्से हैं उसको वहां दर्शाया गया था कि माया को त्याग कर ही मंदिर में प्रवेश करो वैसे ही यहाँ कह रहे हैं ये जो बिल्ली है अर्जुन रूपी बिल्ली है वो तपस्या कर रही है और उसके आसपास जो चूहे हैं वो माया है तो वो कह रहे हैं कि वो अपनी प्रार्थना में अपनी आराधना में इतना तल्लीन है इतना मग्न है कि आसपास की मोह माया रूपी चूहे जो है वो भी उन्हें नहीं दिखाई दे रहे हैं मतलब वो इतने ज्यादा मग्न है अपनी तपस्या में तो उस तरह की चीजों को यहाँ पर मूर्ति के द्वारा यहाँ देखिए अर्जुन की तपस्या का उस तरह से दर्शाया गया है ठीक है अलग अलग जो पिक्चर्स है उनके अलग अलग कहानियां हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो यहाँ समझाने का प्रयास किया है इसके बाद ठीक है ये समझ आ गया फिर महाबलीपुरम का शोर शोर का मतलब बच्चों देखिए तट होता है ठीक है शोर का मतलब जो होता है त, तट होता है तो राज सिंह शैली में ये निर्मित मंदिर है इसमें दो छोटे और एक बड़ा मंदिर सम्मिलित है ये तीनों मंदिर एक ही चबूतरे के ऊपर बने हुए हैं तो आप देखेंगे एक ही चबूतरे के ऊपर ये तीनों मंदिर को बनाया गया है ठीक है मुख्य मंदिर का गर्व गर्भग्रह समुद्र की ओर है जो मुख्य मंदिर का जो गर्व ग्रह है यहाँ पर वो समुद्र की ओर है ताकि वो सूरज की जो पहली किरण है किरण है वो मुख्य देवता पर डायरेक्ट पड़ती है शोर मतलब तट होता है तो ये समुद्र के किनारे इसको बनाया गया है और स्थापित मुख्य देवता पर वो सूर्य की डायरेक्ट किरण उस पर पड़ती है ठीक है मंदिर की निचली मंजिल जो है वर्गाकार है आप देख पा रहे होंगे जबकि ऊपरी भागी पिरािड नुमा है इसको पिक्चर के साथ समझेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे मुख्य मंदिर शिव देवता शिव देवता को सम, आ, समर्पित है तो जो मुख्य मंदिर है जैसे पंचायतन शैली में मैंने बताया था जो मुख्य मंदिर होता है वो किसी मुख्य देवता पर जो है उसका होता है बाकी जो है गौड़ देवता होते हैं ठीक है इस मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की अनंत शयन प्रतिमा है मतलब सोते हुए विष्णु जी की एक प्रतिमा भी इस मंदिर में स्थापित की गई है प्रश्न पूछा गया है तो याद रखिएगा अनंत शयन मतलब सोते हुए विष्णु जी की प्रतिमा कहाँ से हमें देखने मिली भगवान विष्णु की कहाँ से मिली है महावलीपुरम का शोर मंदिर शोर मतलब तट तो समुद्र के तट पर इस मंदिर को मिला है जिसमें सूर्य की पहली किरण मुख्य देवता जो मध्य में है भगवान शिव उन पे पड़ती है गर्भगृह पर क्लियर है आगे बढ़ते हैं अब चोल उपशैली आ जाते हैं ठीक है अब हम चोल उपशैली को पढ़ेंगे अभी हमने पल्लव उपशैली को पढ़ा था पल्लव उपशैली में अलग अलग शासकों की शैलियों को देखा हमने मंदिर निर्माण को देखा अब हम चोलों के अलग पढ़ेंगे तो इस काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एकदम चरम अवस्था पे जो है धीरे धीरे मंदिरों का निर्माण आपको और देखने को मिल जाता है तो जो पल्लव काल में जो द्रविड़ वास्तुकला की शुरुआत हुई थी आर्किटेक्चर बनवाना शुरू किया अब आगे आने वाले जो चोल आए उनके समय पे तो और भव्यता देखने को मिलती है ठीक है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दक्षिण जो है दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है चोल उपशल्य को चोलों को कहा जाता है चोल मंदिरों में बड़ा परिसर अब देखिए अब एक नया शासक आ रहा है ठीक है एक और ताकत के साथ आ रहा है तो उसके पास आर्थिक परिस्थितियां और मजबूत है इसीलिए देखिए जैसे ही बता दिया जाए कि उसके समय पे बड़े विशाल मंदिर हुआ करते थे बड़े बड़े तोरण हुआ करते थे गोपुरम हुआ करते थे समझ जाइए वहां की आर्थिक स्थितियां अच्छी खासी चल रही है तभी तो आप इन्वेस्ट करेंगे तो वही कह रहे हैं इस मंदिर में बने मंदिरों में राजाओं की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया था तो ये आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा जितना यहाँ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर इस तरह की मूर्तियों को भी उकेरा गया वहां पर जो है कहानियों को बताया गया इसके साथ साथ वहां पर राजाओं की भी मूर्तियों को चोल उपशैली के अंतर्गत मंदिरों में दर्शाया गया है चोल स्थापत्य कला में सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का भी बेजोड़ संगम दिया है ना केवल वास्तुकला का बल्कि मूर्ति कला और इसमें उन्होंने चित्रकारी को भी बखूबी बताया गया है साउथ के मंदिर में तो वैसे भी ये विशेषता रहती है बट इनके समय काल में इस ऐसी उपशैली के अंतर्गत ज्यादा देखने को मिला है ठीक है तो इस तरह की मूर्तियां वगैरह को भी काफी ज्यादा बनाया गया है स्पष्ट किया गया जब हम मूर्ति कला चित्रकला कला पढ़ेंगे और गंभीरता से और ज्यादा इसके अंदर जाकर हम समझेंगे चीजों को अब जैसे राजा राजेश्वर का बृहदेश्वर मंदिर बहुत फेमस है गंगई कोड चोलपुरम का मंदिर जो है द्रविड़ वास्तुकला की चोल शैली के सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है तो राजा राजा, राजा राज प्रथम को जो है गंगई कोंड ये गंगा का पुत्र गंगा के उपाधि इनको जो है गंगा पर विजय हासिल करने के लिए इनको ये उपाधि दी गई थी गंगई कोड चोलपुरम तो गंग जो चोलपुरम का मंदिर है द्रविड़ वास्तुकला की चोल शैली का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है हम देखेंगे उसको जैसे बृहदेश्वर मंदिर अभी हमने देखा इसमें पिक्चर थोड़ी ब्लर हो रही है है ना तो ये बृहदेश्वर मंदिर देखिए ये चार दिवारी से थका हुआ है क्योंकि यहाँ पर ना इस समय पे आर्थिक आ, भी हुआ करते थे मंदिर के अंदर तो बहुत बड़े बनाए जाते हैं इनका ये गोपुरम बहुत ज्यादा भव्य होता है ठीक है इसे दक्षिण मेरू क्या क्या कहते हैं दक्षिण मेरू बृहदेश्वर के नाम से जाना जाता है राजा राज चोल ने लगभग एक हजार में इसको निर्माण कराया था ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है यहाँ से प्रश्न पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं किस देवता को समर्पित ये मंदिर है तो तंजौर का ब्रहदेशौ, ब्रहदेशौ, ठीक है पूरे ब्रह्मांड को संभालने वाले भगवान शिव कुछ इस तरह से याद रखेगा को समर्पित है ये मंदिर ठीक है इसके चार भाग जैसे नंदी मंडप अर्ध मंडप मंडप गर्भगृह अब ये सब जब देखेंगे ना जैसे मंदिरों में जो गर्भगृह वो हुआ करते थे सभा भवन हुआ करते जिसको मंडप कहते थे तो उसमें यहाँ पर जाति के अनुसार मंडप बनवाए जाते थे नंदी मंडप अर्ध मंडप यहाँ पर लेकिन पूरे मंदिर को ही मंडप कहा जा रहा है ठीक है तो चार भागों में गर्भगृह समझ गए ना जहाँ पर मुख्य देवता विराजमान होते हैं शिखर के नीचे हमेशा देखने को मिलता है इस मंदिर की वास्तुकला मूर्ति कला, कला चित्रकला कांस्य मूर्ति और नक्काशियों के क्षेत्र में प्रदर्शित होती है।, है इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस मंदिर पर शिला उत्कीर्ण किए गए हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है तो इतिहास के बारे में कैसे हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा पता चलता है शिला लेखों के द्वारा पता चलता है वहाँ की खुदाई से पता चलता है वहाँ के साहित्य से पता चलता है तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो शिला लेख बना लिखे गए हैं उत्कीर्ण किए गए हैं उनको दर्शाया गया है उनसे भी हमें उस समय की परिस्थितियों के बारे में वहाँ की जानकारी मिलती है ठीक है इतिहास क्या है वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन करना क्लियर है तो ये मंदिर चार दीवारी के अंदर स्थित है क्योंकि साउथ का मंदिर है तो विशेषता ये रहेगी इसके पूर्व में गोपुरम और तीन अन्य दिशाओं में साधारण प्रवेश है तो इसके पूर्व में एक बहुत भव्य गोपुरम है बाकी तीन साधारण जो प्रवेश है वो सिंपल है ऐसे सिंपल तरीके से बनाए गए हैं ठीक है अब पल्लव उपशैली दक्षिण में देखा फिर हमने देखा किसको देखा हमने चोल उपशैली को देखा अब हम विजयनगर उपशैली को देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि स्थापत्य कला के प्रमुख संरक्षक थे इस समय ठीक है इन शासकों के समय में बीजापुर की स्थापत्य शैली इंडो इस्लामिक शैली से प्रभावित है तो इंडो इस्लामिक मतलब कुछ इंडियन कुछ बाहर का भी तत्व तो आपको वहाँ के आर्किटेक्चर पे देखने को मिलते हैं और शैली का प्रभाव उस समय मंदिरों पर भी दिखाई पड़ता है विजयनगर उप शैली के मंदिरों को जब आप देखेंगे तो उनके स्ट्रक्चर पे इंडो जो इस्लामिक प्रभाव है वो भी धीरे धीरे देखने को मिलता है क्योंकि उस उसमें इस्लामिक का आगमन होना शुरू हो गया था तो विजयनगर शैली की विशेषताएं बाकियों से कैसे भिन्न है तो इस मंदिर की चार दीवारों पर अत्यधिक नक्काशी देखने को मिलती है ठीक है जैसे आप देखेंगे कि जब हम मुगल काल के समय की बात करेंगे इस्लामिक समय की शैली की बात करेंगे तो वहां पर भी आप जैसे बहुत सारी नक्काशियों को दीवारों पर देखेंगे ठीक है मंदिरों को ज़्यामितीय आकार से सजाया जाता था ठीक है ये आपको ये जो क्वालिटी है ये आपको इस्लामिक शैली में भी देखने को मिलेगी जब हम मुगलों इत्यादि को पढ़ेंगे इससे पहले गोपुरम का निर्माण सिर्फ एक दिशा में किया जाता था पहले हमने देखा था सिर्फ एक दिशा में गोपुरम बहुत भव्य बनाते थे लेकिन विजयनगर शैली में जो गोपुरम है वो चारों दिशाओं में बनाए जाने लगे थे तो मतलब मंदिर में चारों दिशाओं पर आपको गोपुरम देखने को मिलते थे जबकि पहले जब हमने देखा था, तो सिर्फ मात्र एक गोपुरम हुआ करता था विजयनगर शैली में चारों में होता था ठीक है इसके एक से अधिक मंडप का निर्माण किया जाने लगा मुख्य मंडप को कल्याण मंडप कहते थे तो यहाँ पर जो सभा भवन होता था जहाँ पर जो ये अपने जो श्रद्धालु वेट करते थे उसको कल्याण मंडप कहा जाने लगा ठीक है ये इनके मंडप हुआ करते थे इस तरह से और इस समय परिसर के भीतर धर्म निरपेक्ष इमारतों की अवधारणा शुरू हुई थी किसी एक विशेष धर्म को ध्यान में नहीं रखा गया धर्म निरपेक्ष इमारतों की अवधारणा शुरू हुई इस शैली के मंदिर का निर्माण बड़े परकोटे से किया जाने लगा तो वड़ा बड़ा बड़ा प्रांगण आपको यहाँ पर दीवारें देखने को परकोटा मतलब दीवार की बात कर रहे हैं ना ये इसके प्रमुख मंदिर कौन से जैसे विट्ठल स्वामी मंदिर कर्नाटक हम्पी में है लोटस महल आपका कर्नाटक हम्पी में इनके उदाहरणों को विशेष तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं और याद करना है क्योंकि पूछे गए प्रश्न है ठीक है इसके बाद अंत में आ जाता है आपका नायक उपशैली हमने पल्लव उपशैली को पढ़ा द्रविड़ शैली के अंतर्गत फिर इसके बाद चोलों को पढ़ा हमने फिर हमने विजयनगर उपशैली को पढ़ा तो अलग अलग डायनेस्टी के हिसाब से कई कई शैलियां आती गई ठीक है तो यहाँ पर नायक उपशैली अब नायकों के समय पर क्या हुआ विजयनगर साम्राज्य के बाद सोलवी और आठवीं सदी के दौरान नायकों के शासन के अंतर्गत इस शैली का निर्माण हुआ नायक शासक है इसमें मदुरई शैली के नाम से इसे जाना जाता है इसके जो मंदिर मदुरई का मीनाक्षी मंदिर वगैरह आप देखेंगे बहुत फेमस है तो ये सब एक उदाहरण है देखिए यहाँ पर जलाशय भी आपको देखने को मिलता है तो इस तरह के साउथ के मंदिर में एक जलाशय कुंड आपको देखने को जरूर मिलता है ठीक है इसके साथ गर्भगृह के चारों तरफ बड़े गलियारे का निर्माण किया गया जिससे पराक्रम कहा जाता था तो गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ आप देखते होंगे ना प्रदक्षिणा जो पथ है ठीक है प्रदक्षिणा पथ आपको जो देखने को मिलता था वही यहाँ पर कह रहे हैं उसको प्राक्रम कहा जाता था जहाँ पर गोल गोल चक्कर लगाया जाता था इसमें प्रदक्षिणा पथ को छतदार बनाया जाता था मतलब यहाँ पर जो प्रदक्षि पथ आप देख रहे हैं ना घूमने के लिए जो परिक्रमा लगाने के लिए जैसे हमने बिहार और उन सब में देखा था वैसे ही यहाँ पर बनाया गया लेकिन उनको छतों से ढक दिया गया था क्लियर है नायकों द्वारा बनवाए गए गोपुरम काफी बड़े थे मीनाक्षी सुंदेश्वर सुंदेश्वर मंदिर का गोपुरम विश्व का सबसे भव्य गोशरम गोपुरम है यहाँ पर सबसे भव्य गोपुरम आपको कहाँ पर मीनाक्षी का सुंदेश्वर जो मंदिर है बहुत ही भव्य विश्व का सबसे बड़ा गोपुरम सबसे बड़ा द्वार कहा जाता है तो ये सब चीजों को जब तक आप एक दो बार रिवाइज नहीं करेंगे देखिए रटने का प्रयास कतई ना करें जैसे ही आप रटना शुरू कर देंगे वहां पर कहानी खराब हो जाएगी आपको जो पी है वो आपको मेरे किस चैनल पे यहाँ पर फिर से लिख दे रही हूँ शिल्पी वर्मा ठीक है ट्वेंटी टू पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही यहाँ पर फोर बैच के लास्ट की लास्ट डेट एडमिशन की देखिए थर्टी अप्रैल है डेली आपको शाम को छह बजे क्लासेस लाइव हुआ करेंगी अभी तक एडमिशन नहीं लिया है और यदि लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड एस वी लाइव यानी कि शिल्पी वर्मा लाइव कोड एस वी लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको मात्र इतने की फीस पड़ जाएगी और आपको एडमिशन मिल जाएगा जल्दी से एडमिशन ले लीजिए ये सुनहरा अवसर है अच्छे से आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी कर पाएंगे हम सबके साथ कनेक्ट कर पाएंगे अपना ध्यान रखें कंटिन्यू पढ़ते रहें पीडीएफ की चिंता ना करें कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो बेझिझक मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं वहां भी पूछ सकते हैं फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं जितना एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जरूरी हों और कोई चीज नहीं समझ आती तो पढ़िए बार बार सुनिए उसको पूछिए मुझसे क्वेश्चन आंसर राइटिंग करिए जो लोग फ्यूचर में एग्जाम देने का सोच रहे हैं जो लोग पीटी की तैयारी कर रहे हैं वो रिविजन के तौर पर अभी ध्यान दें और लक्ष्य के क्लासेस आपको दिए जा चुके हैं अभी तक तो उसको भी रिवाइज करते रहिए उसमें करंट अफेयर्स में आर्ट एंड कल्चर का पढ़ा रही हूँ तो रिवीजन बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ का तो रिवाइज करते रहिए अपना ध्यान रखिए नोट्स बनाते रहिए और जल्द मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ अगला टॉपिक हमारा होने वाला है मंदिर में बेसर शैली जिसको अंतिम शैली है तो मंदिर स्थापित हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आगे की ओर आगे देखते हैं फिर हम क्या पढ़ते हैं तो एक्साइटमेंट बनाए रखिए जल्द मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आई क्यू हिंदी